हेल्दी होम्स में आपका स्वागत है। आज हम फेस मास्क बनाएंगे। मास्क जनरली कॉटन के कपड़े से ही बनता है, लेकिन अगर कपड़ा थोड़ा सा मोटा है तो दो ही लेयर उसकी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा लेयर करने पर वो मोटा हो जाएगा और सांस लेने में भी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये सारी पुरानी साड़ी के कपड़े से अगर हम मास्क बनाएंगे तो ये मुलायम होता है और उसकी चार लेयर लगाएंगे जिससे इसका सेफ्टी का परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे डबल लेयर 14 इंच लंबा और 14 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको करीब 6.5 इंच का इस तरह से निशान लगा के अम्ब्रेला स्कर्ट वगैरह जैसे बनाते हैं उस तरह से इसमें निशान लगा लेंगे। ये इसलिए कि हमको करीब 14 इंच डायमीटर का गोलाकार कपड़ा चाहिए। ये आप किसी प्लेट या कोई भी बर्तन या कोई भी गोलाकार चीज़ रख के आप इस तरह से कट कर सकते हैं। पर्पज़ है कि 14 इंच डायमीटर का गोल कपड़ा चाहिए और ये डबल लेयर में है। साड़ी का पुरानी साड़ी का कपड़ा है, ये कॉटन की प्योर कॉटन की साड़ी है और पुरानी भी है, मुलायम है कपड़ा। तो इसको हम चार लेयर में बनाएंगे जिससे ये सेफ भी रहेगा और आरामदायक भी रहेगा, सांस लेने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और चार लेयर होने की वजह से ये सेफ्टी का परसेंटेज इसमें ज़्यादा रहेगा। ये देखिए, दो दो लेयर के ये चार टुकड़े इस तरह से तैयार हो गए, हमने कट कर लिए हैं। अब इनको हम दो दो पीस को इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से और यहाँ से। ये देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह से प्रेस करके ठीक कर लेंगे और इसको एक के ऊपर एक रख के उल्टे तरफ से चारों तरफ से सिल लेंगे। किनारे में थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे इसको सीधा करने के लिए। इसमें भी देखिए, चारों तरफ से सिलाई लगा ली है, थोड़ा सा छोड़ दिया है। ये छूटी हुई जगह से हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, सीधा हो गया। इसमें एक तरफ तो खुला हुआ है लेकिन दूसरी तरफ हमने बंद कर दिया था, पूरा सिल दिया था, तो उसमें थोड़ा सा कट लगाना होगा। तो यहाँ पे हम कट लगा देंगे किनारे पे, थोड़ा सा केवल इसमें बद्दी डालने के लिए। करीब 2.5 इंच चौड़ा और 30 इंच लंबा एक कपड़ा लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करके एक बद्दी तैयार कर लेंगे इस तरह से। इसमें पूरी लंबाई पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, ये करीब 30 इंच लंबी बद्दी तैयार हो गई। इसके दो पीस कर लेंगे और दोनों तरफ जो थोड़ा सा जगह छोड़ी थी किनारे पे, यहाँ पे हम थोड़ा सा अंदर को इंसर्ट करके इस तरह से और मोड़ के सिल देंगे। ये दोनों तरफ से ही लगा देना है। ये इस तरह से, ये देखिए, ये मास्क तैयार हो गया। ये बहुत ही आरामदायक होता है। इसको पीछे इस तरह से बद्दी बांध के लगाया जाएगा, इलास्टिक की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का मास्क बहुत आसानी से बड़ी जल्दी बन जाता है और ये कॉटन की साड़ी से बना है तो आरामदायक है और चार लेयर होने की वजह से ये सेफ भी ज़्यादा है। बांधने वाली बद्दी एक ही है जिससे आसानी से बन जाती है, अच्छे से फिट हो जाता है, लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत ही आरामदायक है। फिर देर किस बात की, आप भी बना डालिए मास्क घर पे।